हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्विच क्या होता है, जिसको हम मल्टीपोर्ट ब्रिज भी बोलते हैं। देखिए, ये एक इंटरनेट में की जाने वाली डिवाइस होती है, जिसकी हेल्प से हम मल्टीपल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को ऐड कर सकते हैं, या मैं बोल सकता हूँ कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, स्विच कुछ अंदर से इस तरीके का होता है। ये यहाँ पर स्विच है, इसके पास पोर्ट होता है। ये फोर्थ पोर्ट का भी होता है, आठ पोर्ट का भी होता है, 16 पोर्ट का भी हो सकता है, 32 पोर्ट का भी, और 48 पोर्ट का भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है 8 पोर्ट का। जैसे आप समझ सकते हो, यहाँ पे पोर्ट नंबर 1, यहाँ पे पोर्ट नंबर 2, यहाँ पे पोर्ट नंबर 3, यहाँ पे पोर्ट नंबर 4th, यहाँ पे पोर्ट नंबर 5, यहाँ पे पोर्ट नंबर 6, यहाँ पे 7th, यहाँ पे पोर्ट नंबर 8। ये यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड, जैसे हमारा ये है ए बी सी डी ई एफ जी एच, आप ये समझ सकते हो ये यहाँ पे कंप्यूटर है। ए बी कंप्यूटर, बी सी, ये सब कंप्यूटर है। और ये किसकी हेल्प से कनेक्ट है, यहाँ पे स्विच के थ्रू ये यहाँ पे आपस में कनेक्ट है, जो कि आपस में ये कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसका अंदर का स्ट्रक्चर होता है, ये ए इससे भी इंडिविजुअल कनेक्ट होता है, ये ए इससे भी कनेक्ट होता है, ए इससे भी कनेक्ट होता है, ये इससे भी कनेक्ट होता है, ये बी से कनेक्ट होता है, ये सी से, ये डी से कनेक्ट होता है। ऐसे ही बी सबसे कनेक्ट होता है, ए से भी, सी से भी, डी से भी, ई से भी, एफ से भी, जी से भी, एच से भी। तो बी भी ऐसे कनेक्ट होता है, और जो हमारा सी है, सी भी हमारा ऐसे इंडिविजुअल सबसे कनेक्ट होता है। इसके अंदर बहुत सारी लिंक होती है, जो कि आपस में सेपरेट सेपरेट कनेक्ट होती है। सी ए से भी कनेक्ट होता है, बी से भी कनेक्ट होता है, सी से भी, डी से भी, ई से भी, एफ से भी, और डी भी हमारा ऐसे कनेक्ट होता है, ई भी, एफ भी, जी भी, एच भी, जितने भी हमारे यहाँ पे कंप्यूटर है वो आपस में ऐसे ही कनेक्ट होता है। वो किसके थ्रू कनेक्ट होता है, यहाँ पे स्विच के थ्रू। लेकिन स्विच के अंदर कुछ ऐसी कॉन्फ़िगरेशन होती है, ये नोड आपस में कनेक्ट होता है। जैसे ये नोड है, ये इससे कनेक्ट है, यहाँ पे ये इससे भी कनेक्ट है, ये इससे भी कनेक्ट है, ये इससे भी कनेक्ट है, यानी कि आपस में ये सबसे आपस में कनेक्ट है। अभी वर्क कैसे करता है देखिए फ्रेंड्स, इसके पास होती है एक मैक एड्रेस टेबल होती है, जिसको हम कैम टेबल भी बोलते हैं, यानी कि कंटेंट एक्सेसिबल मेमोरी। तो ये उसके अकॉर्डिंगली वर्क करता है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे वर्क करता है। सबसे पहले, जैसे ए ने कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है जी के पास, तो ये फर्स्ट टाइम क्या काम करेगा, ये पूरे के पूरे नेटवर्क में जितने भी हमारे कंप्यूटर कनेक्ट है, ये उन सब के पास इंफॉर्मेशन को शेयर कर देगा। यानी कि ये फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करता है। क्या करता है, फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट, यानी कि सबके पास मैसेज को शेयर कर देगा। और इसने कोई भी मैसेज शेयर किया, और इसको करना है एच के पास शेयर, ए टू एच, यानी कि ए को एच के पास शेयर करना है। और जब ये मैसेज को शेयर करेगा, शेयर किसने किया, यहाँ पे ए ने, तो उस यानी कि सोर्स का एड्रेस ए का, और यहाँ पे एच डेस्टिनेशन एड्रेस, यानी कि एच क्या है, हमारी डेस्टिनेशन है, उसका एड्रेस होता है। कोई भी इंफॉर्मेशन आई, स्विच समझ आता है यहाँ पे, उसके पास यहाँ पे कोई भी मैसेज आया, कहाँ से आया, यहाँ से आया, पोर्ट नंबर किससे आया, 1 से आया, पोर्ट नंबर 1 पे क्या कनेक्ट है, ए, तो वो यहाँ पे पोर्ट नंबर 1 है, हमारे पास यहाँ पे पोर्ट नंबर है, ये मैक एड्रेस है, तो पोर्ट नंबर 1 पे क्या कनेक्ट है, यहाँ पे ए, तो ए का मैक एड्रेस यहाँ पे इसकी टेबल पर फिक्स हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे इसको पता चल जाएगा कि जो ए नंबर का जो कंप्यूटर है वो पोर्ट नंबर 1 पे कनेक्ट है। और जब ये एच के पास जाएगा, तो इसको पता चल जाएगा कि जो हमारा एच है वो 8 नंबर पोर्ट पे कनेक्ट है। एच कहाँ पे है, 8 नंबर पोर्ट पे, यहाँ पे कनेक्ट है। जब कभी भी बी शेयर करेगा, तो बी भी फर्स्ट टाइम क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा। और ये क्या करेगा, यहाँ पे फिर इसको पता चल जाएगा स्विच को कि हमारा ये पोर्ट नंबर बी पे कनेक्ट है। ऐसे ही सी का पता चल जाएगा, ऐसे ही डी का, ऐसे ही ई का, एफ का, जी का, तो ऐसे ही सब का पता चल जाएगा। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, फर्स्ट टाइम ये क्या काम करता है, ब्रॉडकास्ट करता है, क्योंकि स्विच को कुछ नहीं पता। इसके पास अभी तक यहाँ पे मैक एड्रेस, इसको किसी का कुछ नहीं पता, कैम टेबल नहीं बनी है इसके पास अभी तक, वो खाली है। लेकिन जब ये एक बार ब्रॉडकास्ट करता है, तो स्विच को पता चल जाता है कि हाँ भाई, ये बंदा वहाँ पे है, ठीक है।
उस पोर्ट पे है, तो वो पोर्ट के अकॉर्डिंगली उसको समझता है कि हमारा जो ये कंप्यूटर है वो कौन से पोर्ट पे कनेक्ट है। और जो भी हमारा कंप्यूटर होता है उसके पास क्या होता है, एक मैक एड्रेस होता है, तो वो उसको यहाँ पे स्टोर कर लेता है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये फिर वर्क करता रहता है। अब हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। ए स्विच एक्ट्स एज ए मल्टीपोर्ट ब्रिज, ये किस तरीके से एक्ट करता है, मल्टीपोर्ट ब्रिज की तरह, टू कनेक्ट डिवाइस इन लैन, जो हमारी डिवाइस होती है उसको कनेक्ट करने के लिए लैन में, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क में हम इसका यूज़ करते हैं। लेयर टू डिवाइस, ये लेयर टू डिवाइस होती है, यानी कि डेटा लिंक लेयर पर ये वर्क करती है। फुल डुप्लेक्स, ये फुल डुप्लेक्स करती है, यानी कि डेटा को ये सेंड भी कर सकती है और रिसीव भी कर सकती है एक ही टाइम पर। मेंटेन कैम टेबल, इसके पास एक कैम टेबल होती है, फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट देन यूनिकास्ट एंड मल्टीकास्ट, फर्स्ट टाइम ये क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है देन यूनिकास्ट, उसके पास बाद ये यूनिकास्ट करता है, यानी कि जिसको मैसेज सेंड करना है उसी के पास जाएगी, अदरवाइज़ किसी के पास नहीं जाएगी। यूनिकास्ट का मतलब ये होता है। एंड मल्टीकास्ट, मल्टीकास्ट यानी कि आप चॉइस कर सकते हो कि जी के पास भी मुझे पहुँचाना है, एच के पास भी, आप खुद ही सेलेक्ट करते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। एवरी पोर्ट ऑफ स्विच इज सेपरेट कोलिजन डोमेन, जितने भी हमारे स्विच के जो पोर्ट है उनके पास अपने अलग अलग कोलिजन डोमेन होता है। कोलिजन डोमेन मतलब रास्ता होता है एक तरीके से, ए के पास ई का अपना सेपरेट है, ए और एफ का सेपरेट है, ए और जी का सेपरेट है, ए और बी का भी सेपरेट है, मतलब इस पोर्ट से जितने भी हमारे कंप्यूटर कनेक्ट है या जितने भी हमारे पोर्ट है वो उनके साथ कोलिजन डोमेन बिल्कुल उनका सेपरेट रहेगा। स्विच हैज़ वन ब्रॉडकास्ट डोमेन, स्विच क्या है, एक वन ब्रॉडकास्ट डोमेन है, उसके पास क्या होता है, एक वन ब्रॉडकास्ट डोमेन, यानी कि वो एक ही टाइम में अगर वो करना चाहे तो ब्रॉडकास्ट कर सकता है। इसके पास पोर्ट होते हैं 48 पोर्ट होते हैं। स्लो, ये थोड़ा स्लो होता है, 10 Mbps देता है ये वायरलेस में और 100 Mbps देता है ये वायर्ड में। आई होप फ्रेंड्स आपको स्विच समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर्ली टाइम से मिलते रहे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।